दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर इंडिया गठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आने के एक दिन बाद आपने कहा कि कांग्रेस ने अब अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और मामला खत्म हो गया है। आपके वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस ने अब खुद ही अपने बयान से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा यह अच्छा है, मामला अब खत्म हो गया है, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया है और सब कुछ अब स्पष्ट है। सभी दल मिलकर बैठकर हिसाब किताब लगाते हैं और फिर ऐसी चीजें तय होती हैं, प्रवक्ता बयान देते हैं। आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने वर्तमान परिस्थितियों में धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने निर्दिष्ट किया है कि उनके कुछ नेताओं के बयान व्यक्तिगत टिप्पणियां थी। मुझे लगता है कि फिलहाल थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और मुंबई में होने वाली अगली बैठक तक कोई रास्ता निकलेगा। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की और संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक के बाद लांबा ने कहा था कि गठबंधन करना है या नहीं इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमें 7 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया है। हम 7 सीटों पर ठीक से तैयारी करके मजबूती से जनता के पास जाएंगे। उनकी टिप्पणी के बाद आपने कहा था कि अगर कांग्रेस दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो मुंबई में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मौजूद रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मंत्री प्रमुख राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से एकजुट रहने और लोगों से जुड़े रहने को कहा। बुधवार को कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अनिल चौधरी ने स्पष्ट किया था कि बुधवार की बैठक दिल्ली में गठबंधन करने को लेकर नहीं थी और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आप अनुमान लगा सकती हैं, लेकिन गठबंधन पर फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा और इसकी घोषणा भी वही करेगा। हम यहाँ एक विपक्षी दल के रूप में भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाएंगे। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं।